हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आज हम जानेंगे कहानी श्याम सिंघा रॉय की। ये टाइटल मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने सोचा कि इस फिल्म की कहानी आपसे शेयर करूं। श्याम सिंघा रॉय है 2021 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पिक्चर। ये एक रोमांटिक ड्रामा है जिसको डायरेक्ट किया है राहुल संकृतियन ने और इसकी कहानी लिखी है जंगा सत्यदेव ने। इस फिल्म के मुख्य स्टारकास्ट हैं नानी, जो एक डबल रोल प्ले कर रहे हैं, और साई पल्लवी जो मेन कैरेक्टर प्ले करती हैं, मेन लीड हैं। साथ में नज़र आएंगे कृति शेट्टी और मैडोना सेबेस्टियन। ये फिल्म पार्टली सेटअप है 1970s के कोलकाता में और इस कहानी का मुख्य थीम है पुनर्जन्म के ऊपर। पुनर्जन्म की कहानियाँ हमने हिंदी पिक्चरों में बहुत देखी है, लेकिन क्योंकि ये तेलुगु पिक्चर है मुझे इंटरेस्ट किया कि ये लोग ने क्या अलग बनाया होगा। यूजुअली हम देखते हैं तेलुगु पिक्चर की स्क्रीन प्ले और सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी होती है, और एक्ट्रेस साई पल्लवी ने भी मुझे इस फिल्म की ओर आकर्षित किया। जो लोग जानते हैं साई पल्लवी बहुत ही फेमस हैं, साउथ स्टार हैं, तमिल फिल्म और तेलुगु फिल्म काफ़ी कर चुकी हैं एंड शी इज़ अ फैबुलस डांसर। चलिए चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। वासु एक एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर होते हैं हैदराबाद के। एक फिल्म प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करने के लिए वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और उसी सिलसिले में कृति, जो एक साइकोलॉजी ग्रेजुएट होती है, उनसे उनकी मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है, जब वो उसे देखते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी शॉर्ट फिल्म का हिस्सा कृति बने। कीर्ति जो होती हैं पहले तो इनकार करती हैं ये फ़िल्म का हिस्सा बनने से, लेकिन थोड़े परसुएशन के बाद वो इस फिल्म में एक्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म होता है तो शूटिंग भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। वासु ने जो पिक्चर डायरेक्ट किया होता है, जो शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट किया होता है, प्रोड्यूसर उसको देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। प्रोड्यूसर साहब फिल्म को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। एक दिन शूटिंग के दौरान कुछ गुंडे कीर्ति को हैरेस करते हैं। इस दौरान हमारे लीडिंग डायरेक्टर जो होते हैं वासु, वो ये देखते हैं और एज यूजुअल कीर्ति को बचाने की कोशिश करते हैं उन गुंडों से। इस फाइट के दौरान एक गुंडा वासु के सर पे चोट पहुंचा देता है, जिसके वजह से वासु का कान जो है वो ब्लीड करने लग जाता है। कृति और वासु इसके बाद थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। ऑफ़ कोर्स हीरो ने बचाया जो है हीरोइन को, तो उनको तो क्लोज आना ही था। कृति जो होती हैं वो ये नोटिस करती हैं कि बीच बीच में वासु जो हैं एक अलग तरीके से बिहेव करने लगे हैं। वो वासु से ये कहती हैं कि उस फाइट के बाद वासु जो हैं थोड़ा कभी कभी डिफरेंटली बिहेव करते हैं। कीर्ति और वासु जब क्लोज़ हो रहे होते हैं, इंटीमेट हो रहे होते हैं, उसी दौरान वासु रोज़ी नामक एक शख्स का बयां करते हैं। कीर्ति को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि जब वो इंटीमेट होते हैं तो ये रोज़ी कहाँ से आ जाती हैं। एक साल बाद वासु अपनी पिक्चर उन्नी की रिलीज़ करते हैं। ये फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल होता है और हिट हो जाता है। वासु को एक ऑफ़र मिलता है इसी पिक्चर को हिंदी में रीमेक करने का। ऐसे ही एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई में वासु को अरेस्ट किया जाता है इस चार्जेस पे कि उन्होंने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है। सब जन शॉक हो जाते हैं। कोलकाता में बसे एक नामी पब्लिशिंग हाउस SR पब्लिकेशंस ये एलिज करते हैं कि वासु ने उनकी बेस्ट सेलिंग नॉवल अस्तित्व, जिसको लिखा था श्याम सिंघा रॉय ने 50 साल पहले, उसकी कहानी वासु ने चुराई है। अब आता है कहानी में नया मोड़। कोर्ट में वासु के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश किया जाता है और कीर्ति की कज़न पद्मावती वासु के लिए केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। वासु कहते हैं कि वो गिल्टी नहीं हैं और एक सक्सेसफुल पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद कोर्ट उनको एक अनकंडीशनल बेल में रिलीज़ करता है और 3 दिन देता है अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए। कीर्ति अपने साइकोलॉजी प्रोफेसर की मदद लेती हैं और वासु को ये एडवाइस करती हैं कि उनको एक क्लिनिकल हिप्नोसिस का टेस्ट ले लेना चाहिए। वासु के क्लिनिकल हिप्नोसिस में ये सामने आता है कि वासु जो हैं वो एक्चुअल में श्याम सिंघा रॉय थे उनके पिछले जन्म में, और उनकी वाइफ का नाम था रोज़ी।
फिल्म जाती है 1969 वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे श्याम सिंघा रॉय नामक एक इन्फ्लुएंशियल सोशल रिफॉर्मर होते हैं और एक रेवोल्यूशनरी राइटर होते हैं जिसके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज होते हैं। उनकी जो फैमिली होती है वो बहुत कंजर्वेटिव होती है और ये आइडियोलॉजीज़ को बिल्कुल बिलीव नहीं करती। इसी वजह से श्याम सिंघा रॉय को अपना घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसकी फैमिली उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। श्याम सिंघा रॉय समाज में होने वाले सोशल अत्याचार और सोशल मेथोडोलॉजीज़ को डिसअप्रूव करते हैं। वो अपनी फैमिली छोड़ देते हैं और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है मैत्रेयी से, जो एक देवदासी होती है बांग्लादेश की, जो नवरात्रि में मंदिर में डांस कर रही होती हैं। श्याम एक एथिस्ट होते हैं, यानी कि जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी मैत्रेयी के कारण वो हर रात टेम्पल विज़िट करते हैं। एक ऐसे ही रात श्याम मैत्रेयी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ मंदिर के बाहर चलें। देवदासीज को यूजुअली मंदिर के बाहर जाना मना होता है। पहले तो मैत्रेयी मना करती है, लेकिन श्याम के कारण वो बाहर उनके साथ चली जाती हैं। श्याम और मैत्रेयी के बीच में प्यार हो जाता है और श्याम मैत्रेयी का नाम रोज़ी रखते हैं। श्याम और मैत्रेयी यानी कि रोज़ी भागकर शादी करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन उस रात जो टेंपल के पुरोहित होते हैं, जिनका नाम होता है महांत, और जो देवदासीज को एक अपना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो एक यंग गर्ल को सेलेक्ट करते हैं कि वो उनके साथ सो जाएं। इसको देखकर रोज़ी जो होती है उनको अपोज करती है। महांत को बहुत गुस्सा आता है रोज़ी पर, और उन महांत जो होते हैं वो रोज़ी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उस पर यूरिनेट कर देते हैं। श्याम को ये बात पता चलती है और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। पहले से ही श्याम भगवान और पे विश्वास नहीं करते हैं और वो एक एथिस्ट होते हैं, और मंदिर में इस तरह का जब सिचुएशन होता है, इस तरह की घटना जब होती है, श्याम तो एकदम ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो महंत को अटैक करने के लिए मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। श्याम जो हैं महांत के प्राइवेट एरिया को इंजर कर देते हैं और उनको जलते कोयले में डाल देते हैं, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ रोज़ी ने जो अपने गले में नेकलेस पहना होता है, जिससे ये दर्शाया जाता है कि वो देवदासी है, उस नेकलेस को भी वो निकाल देते हैं और ये दिखा देते हैं कि रोज़ी आज से एक देवदासी नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद श्याम और रोज़ी शादी कर लेते हैं और कोलकाता चले जाते हैं, जहाँ पे श्याम जो हैं वो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लग जाते हैं। 1977 तक श्याम एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर बन जाते हैं, लेकिन उनके ज़माने के सबसे कंट्रोवर्शियल राइटर भी रहते हैं। रोज़ी के सजेशन पर श्याम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलते हैं देवदासियों के लिए, जहाँ पे उनको डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता सकें। इस टाइम श्याम के जो भाई होते हैं मनोज, वो श्याम को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको गांव जाना चाहिए क्योंकि उनके जो भाई हैं वो बीमार हैं। जब श्याम और मनोज गाँव पहुँचते हैं, जो उनके बड़े भाई होते हैं वो मनोज को नारियल लेने भेज देते हैं। श्याम के जो दो बड़े भाई हैं, उनका ये प्लान होता है कि वो मनोज को बाहर भेज देंगे और उसी दौरान श्याम को वो लोग मार डालेंगे, क्योंकि श्याम ने उनके गांव के महंत को मारा था और एक अलग कास्ट की लड़की यानी कि रोज़ी से शादी कर ली थी और उनके पूरे ख़ानदान को काफ़ी बेइज्जत किया। श्याम और उनके दो बड़े भाई के बीच काफ़ी फाइट होता है, और जैसे ही मनोज पहुंचते हैं वो ये देखते हैं कि श्याम उनके ही सामने मारा दिया जाता है। श्याम के जो दो बड़े भाई हैं वो कुछ सालों बाद एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और श्याम के जो भतीजे हैं वो अब चला रहे होते हैं SR पब्लिकेशंस, सिंघा रॉयस पब्लिशिंग हाउस। कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पे वासु जो हैं वो प्रिंटिंग प्रेस जो कोलकाता में है वो विज़िट करते हैं, जहाँ पे श्याम काम किया करते थे। वहाँ पे जाके उनको ये पता चलता है कि श्याम और रोज़ी तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। श्याम के मरने की खबर सुन के रोज़ी उनको ढूंढते हुए निकलती हैं, लेकिन उनकी भी मौत हो जाती है।
पद्मावती जो वासु की लॉयर होती हैं वो हिप्नोसिस रिपोर्ट कोर्ट में एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत करती हैं और साबित करने की कोशिश करती हैं कि जो श्याम सिंगा रॉय थे वो वासु के तौर पर उनका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि ये इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये पुनर्जन्म वाली कहानी बिल्कुल बकवास है। कोर्ट जब अपना जजमेंट देने ही वाला होता है उसी समय 85 इयर्स ओल्ड मनोज, जो एक्चुअली श्याम सिंगा रॉय के भाई थे, वो कोर्ट को विज़िट करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि वासु ने ही पुनर्जन्म लिया है, यानी कि वासु ही श्याम सिंगा रॉय है। कोर्ट इसका प्रूफ पूछता है तो मनोज ये एक्सप्लेन करते हैं कि वासु ने एक श्याम की शॉर्ट स्टोरी वर्ना को अडॉप्ट किया था और एक शॉर्ट फिल्म में बनाया था वर्नम, लेकिन ये कहानी कभी भी कहीं भी पब्लिश नहीं हुई है। मनोज जो हैं श्याम की हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कोर्ट को सबमिट करते हैं प्रूफ के तरह और ये केस विड्रॉ करते हैं क्योंकि वो चेयरमैन होते हैं SR पब्लिकेशंस के। वासु जो होते हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाता है और उनके सारे चार्जेस हटाए जाते हैं। मनोज वासु को ये बताते हैं कि रोजी जो है वो आज भी ज़िंदा है और उनके लिए इंतज़ार कर रही है। वासु जो हैं वो एक एजड रोज़ी, यानी कि रोज़ी तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको मीट करने जाते हैं और रोज़ी जो हैं डांस स्कूल चलाती हैं जो शाम के नाम पर उन्होंने खोला होता है। वासु से मिलते ही वासु और रोज़ी का एकदम इमोशनल रीयूनियन होता है और रोज़ी के इच्छानुसार वो श्याम की यानी कि वासु की बाहों में ही मर जाती हैं। श्याम सिंगा रॉय एक बहुत अच्छी कहानी है, अगर आपने देखी होगी तो प्लीज़ कमेंट करना और ये बताना कि ये कहानी आपको कैसे लगी। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।